वेलकम बैक फ्री में जानो। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो की शुरुआत की जाए उससे पहले अपने जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन 10 जिलों में गरज और चमक के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून अब पूरे प्रदेश में दस्तक दे चुका है। आज से मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की आशंका व्यक्त की गई है। अगले 24 घंटे में जबलपुर ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकतर जगहों पर मामूली से मामूली मध्यम बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा सिवनी में अति भारी बरसात से चेतावनी जारी हो गई है। ग्वालियर में कल मानसून के प्रभाव से भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। बता दें आपको कि मौसम विभाग के अनुसार छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट में मूसलाधार बारिश और भोपाल विदिशा रायसेन सीहोर नर्मदापुरम बैतूल हरदा नरसिंहपुर सागर में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। कई भागों में बूंदाबांदी होने के अंदेशे हैं। साथ ही नर्मदापुरम सागर शहडोल रीवा भोपाल चंबल इंदौर ग्वालियर चंबल इलाकों में जबलपुर में भी बरसात के संकेत हैं। वहीं बालाघाट डिंडौरी अनूपपुर टीकमगढ़ निवाड़ी डिंडौरी अनूपपुर में भी दतिया ग्वालियर सिवनी में भी येलो अलर्ट जारी है। 29 जिलों में बरसात की भविष्यवाणी की गई है। बारिश का सिलसिला बढ़ता जाएगा। भोपाल विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ़ बैतूल हरदा जबलपुर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा मंडला समेत कई जिलों में 3 से 4 दिनों की भारी बारिश हो सकती है। इसके अतिरिक्त आज से मध्य प्रदेश सीहोर नर्मदापुरम बैतूल उज्जैन देवास शाजापुर आगरा मालवा मंदसौर जबलपुर उज्जैन नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने के अंदेशे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौजूदा समय में एक साथ कई मौसम प्रणाली एक्टिव है और एक और पश्चिम उत्तर की खाड़ी और उससे लगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। साइक्लोन विपरजॉय दुर्बल पड़ने के बाद हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। बता दें आपको कि पूर्व पश्चिम उत्तरी पंजाब से ट्रफ से ओडिशा के आसपास बने एक कम दबाव के क्षेत्र की बात भी कही जा रही है जो उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर ओडिशा तक जा रहा है। अरब सागर उससे लगे गुजरात पर हवा के ऊपर भाग में साइक्लोन का घेरा बना हुआ है। तो ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को करें सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।